हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉबकर। आज के वीडियो में जीके और जीएस के क्वेश्चंस हैं। इससे पहले जीके सीरीज़ के 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं मिले हैं तो आपको वो वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या मैं उन्हें आई बटन पर दे दूंगी, आप चाहें तो वो वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थित नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इसका पुराना नाम हेली राष्ट्रीय पार्क हुआ करता था। इसके बाद रिसेंटली 2021 में इसका नाम चेंज करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। ठीक है, क्योंकि इसके बीचों बीच से रामगंगा नदी गुजरती है, इसलिए इसका नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है, 1986 में जिम कॉर्बेट को बनाया गया था राष्ट्रीय उद्यान और 1973 में इसे किया गया था टाइगर रिजर्व में शामिल। इस क्वेश्चन से आपको इतनी बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स यहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शंस हैं देवास, उज्जैन, छिंदवाड़ा या शाजापुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इसके अलावा आपको देवास से याद रखना है कि बैंक नोट प्रेस भी देवास में ही स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के देवास में बैंक नोट प्रेस स्थित है। इसके अलावा सिक्योरिटी पेपर मिल आपको याद रखनी है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। ठीक है, और अखबारी कागज बनाने का कारखाना नेपानगर में है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शंस हैं बंगाल गजट, डेक्कन क्रॉनिकल, द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। इसे 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। और इसके अलावा इसकी लैंग्वेज पूछी जाए तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। ठीक है, और ये एक वीकली न्यूज़पेपर था। ठीक है, यानी कि सप्ताह में एक दिन पब्लिश हुआ करता था। ठीक है, और इसका पब्लिकेशन कहाँ से हुआ करता था? कोलकाता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कौन सा राज्य उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु और पश्चिम में अरब समुद्र से घिरा हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थ्री, केरल। केरल एक ऐसा राज्य है जो उत्तर में कर्नाटक से, पूर्व में तमिलनाडु से और पश्चिम में अरब समुद्र से घिरा हुआ है। अगर हम इंडिया के मैप में साउथ इंडिया को जूम इन करें और यहाँ केरला की तरफ जाएं, तो आई होप आपको विजिबल होगा कि नीचे की तरफ आप देखेंगे केरल कहाँ पर स्थित है। ये रहा हमारा केरल। ठीक है, अब ये उत्तर की तरफ कर्नाटक से घिरा हुआ है और पूरब की तरफ तमिलनाडु से घिरा हुआ है और इसके पश्चिम की तरफ अरेबियन सी है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि केरला उत्तर में कर्नाटक से, पश्चिम में अरब सागर से और पूर्व में तमिलनाडु से घिरा हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में भारत स्वतंत्र होने से पहले कौन सा शहर उड़ीसा की राजधानी था? ऑप्शंस हैं संबलपुर, कटक, पुरी या भुवनेश्वर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने से पहले कटक उड़ीसा की राजधानी हुआ करता था। अगर आपसे पूछा जाए कि एट प्रेजेंट उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे भुवनेश्वर एट प्रेजेंट उड़ीसा की राजधानी है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को की गई थी। ठीक है, इसलिए 1 अप्रैल को उड़ीसा में उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उत्कल दिवस के रूप में 1 अप्रैल को उड़ीसा में मनाया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जनगण मन में उत्कल किस राज्य के लिए यूज़ किया गया है, तो आपको याद रखना है कि उत्कल उड़ीसा के लिए यूज़ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 80 में निर्धारित अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शंस हैं 250, 565, 525 या 545।
यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 250। ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 है, आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सदस्य संख्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 245। ठीक है, अधिकतम सीटों की संख्या तो 250 है, लेकिन वर्तमान में मात्र 245 सीटों पर ही सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, इन 245 सीटों में से 12 को किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। ठीक है, जो विज्ञान या फिर साहित्य के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त लोग होते हैं, ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। कंपलसरी है कि अगर आपको राज्यसभा की सदस्यता चाहिए तो आप 30 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हों। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे अपर सदन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है? ऑप्शंस हैं रीवा, भिंड, भोपाल या ग्वालियर। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ग्वालियर में तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ से आपको याद रखना है कि तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में ही स्थित है और अभी 2020 में 56वां तानसेन सम्मान दिया गया है। ये दिया गया था पंडित सतीश व्यास को। ठीक है, और ये सतीश व्यास किससे संबंधित हैं? तो ये एक संतूर वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, महानदी का प्रमुख भाग किस राज्य में है? ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, महानदी का प्रमुख भाग छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, महानदी दो राज्यों में बहती है, एक है छत्तीसगढ़ और एक है उड़ीसा। ठीक है, तो इसमें से इसका जो मेन हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ राज्य में बहता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले के धमतरी नामक स्थान से महानदी निकलती है। ठीक है, रायपुर के धमतरी नामक स्थान से महानदी निकलेगी, इसके बाद क्या करेगी, उड़ीसा में संबलपुर से एंटर करती है और उड़ीसा के सिहावा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर ये नदी गिर जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये बात भी याद रखनी है कि प्राचीन काल में महानदी को चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चित्रोत्पला इसका प्राचीन नाम था। इसके अलावा इसके और भी नाम हैं, जैसे कि महानंदा भी इसको कहा जाता है और नीलोत्पला के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला ब्लैंक है? ऑप्शंस हैं सागर, सीधी, छिंदवाड़ा या बैतूल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा कि इंदौर जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन है आपका, पेशावर से कोलकाता तक की प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण इन्होंने करवाया? ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या शेर शाह सूरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, शेर शाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका निर्माण करवाया गया। इसे शेर शाह सूरी के समय में सड़क ए आज़म के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सड़क ए आज़म इसका पुराना नाम था। इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा इसका नाम चेंज करके रखा गया ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मौर्य काल में ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से प्रसिद्ध थी, तो मौर्य काल में इसी सड़क का नाम था उत्तरापथ। ठीक है, और ये एक फेमस राजमार्ग हुआ करता था मौर्य के समय पर। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, आपको ये बात भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी के अभियान में भारत सरकार का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शंस हैं आमिर खान, अमिताभ बच्चन, विद्या बालन या सलमान खान। यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन हेपेटाइटिस बी के
भारत की ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सलमान खान को कोरोना वैक्सीन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। और रिसेंटली दिल्ली में एक देश का मेंटोर कार्यक्रम करके चलाया गया है, उसका ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और रिसेंटली ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मैरी कॉम को भी नियुक्त किया गया है। इतनी नियुक्तियां आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया आधार आधारित मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन का नाम है। ऑप्शंस हैं समय, अर्जुन, साक्षात या भीम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार के द्वारा भीम को मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन के रूप में लॉन्च किया गया है। यहाँ पर भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम को 30 दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और एट प्रेजेंट यह 20 भाषाओं में उपलब्ध है। और इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूटान ने भीम को अपनाया था सबसे पहली बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के पहले वक्ता कौन थे। ऑप्शंस हैं नीलम संजीव रेड्डी, गणेश वासुदेव मावलंकर, के एस हेगड़े या हुकुम सिंह। यहाँ पर वक्ता यानी कि अध्यक्ष, ठीक है, जिसको स्पीकर ऑफ लोकसभा भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। इनको कई बार जी बी मावलंकर भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको याद रखना है लोकसभा के जनक के रूप में भी गणेश वासुदेव मावलंकर को जाना जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार, ठीक है। और ये मीरा कुमार कौन सी लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं, तो आपका राइट आंसर होगा 15वीं लोकसभा की, ठीक है। इसके बाद 16वीं लोकसभा में दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी जिसका नाम था सुमित्रा महाजन, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इनका नाम क्या था, सुमित्रा महाजन था, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखेंगे एट प्रेजेंट कौन सी लोकसभा चल रही है, तो एट प्रेजेंट 17वीं लोकसभा चल रही है और इस लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, ठीक है। यानी कि एट प्रेजेंट लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, एस एस भटनागर, जे सी बोस या सी वी रमन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज पाने वाले फर्स्ट इंडियन थे, ठीक है। इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था इनकी कृति गीतांजलि के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही भारत का राष्ट्रीय गीत जनगणमन लिखा गया है और पहली बार उसे गाया भी इन्हीं के द्वारा गया था, ठीक है। जनगणमन को 1911 में कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है, पहली बार। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण दत्त, आपको ये बात भी याद रखनी है। इसके अलावा बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है अमार सोनार बंगला, इसकी रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही की गई है, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, माधव अभ्यारण्य खालिस्तान में स्थित है। ऑप्शंस हैं सागर, होशंगाबाद, सिद्धि या शिवपुरी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, शिवपुरी में माधव अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। ऑप्शंस हैं सरोजिनी नायडू, शारदा मुखर्जी, सरला ग्रेवाल या प्रतिभा पाटिल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थीं। यहाँ से आपको याद रखना है कि प्रतिभा पाटिल जी भारत की 12वीं राष्ट्रपति थीं, ठीक है। ओवरऑल कैसी थीं, 12वीं राष्ट्रपति थीं, लेकिन प्रथम महिला राष्ट्रपति थीं, ठीक है। इसके अलावा एट प्रेजेंट भारत में 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है रामनाथ कोविंद, ठीक है, आपको ये बात भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था। ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश या असम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर,
असम राज्य की विधानसभा में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है, अब यहाँ से आपको याद रखना है कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया, तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया। ठीक है, भारत में जीएसटी कहाँ के मॉडल से लिया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा कनाडा के मॉडल से। ठीक है, विश्व में सबसे पहले बार जीएसटी लागू किया गया था फ्रांस में। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका राइट आंसर होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है इसका राइट आंसर। इसके अलावा यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि जीएसटी कैसा कर है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, आपको इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए कि भारत का लास्ट राज्य कौन सा था जिसने जीएसटी को लागू करवाया, तो राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर भारत का ऐसा लास्ट राज्य था जिसने जीएसटी को लागू किया। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो जो भारत के वित्त मंत्री होते हैं वो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है, तो यही जीएसटी परिषद की अध्यक्ष हुई। ठीक है, इसके अलावा जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर होगा 33 जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शंस हैं महेंद्रगिरी, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर या श्रीहरिकोटा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी तिरुवनंतपुरम, केरल में इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है, इसके अलावा विक्रम साराभाई से आपको याद रखना है कि इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसरो से आपसे क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। ठीक है, और एट प्रेजेंट यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, के शिवान। ठीक है, के शिवान एट प्रेजेंट इसरो के अध्यक्ष हैं, इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ऑप्शंस हैं रवि शंकर शुक्ल, शिवाजी राव, कैलाश नाथ काटजू या द्वारका प्रसाद मिश्र, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रवि शंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इसके अलावा यहां से आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो आपका राइट आंसर होगा पट्टाभी सीतारमैया यहाँ के पहले राज्यपाल थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला सीएम कौन थी, तो आपका राइट आंसर होगा उमा भारती मध्य प्रदेश की प्रथम महिला सीएम थी। ठीक है, और ये कहाँ से सांसद थी, तो आपका राइट आंसर होगा मलहरा से। ठीक है, इसके अलावा प्रथम महिला राज्यपाल का नाम आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल थी, और मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ठंडे जलयुक्त बोतल की सतह पर जल की बूंदें कैसे निर्मित होती हैं। ऑप्शंस हैं बोतल में उपस्थित जलवाष्प संघनित होता है तथा बाहर की ओर भेदन करता है, ऑप्शन बी है वायु में उपस्थित जलवाष्प बोतल की सतह पर संघनित होता है, ऑप्शन सी है बोतल के अंदर का जलवाष्पित होता है तथा बूंदों के रूप में दिखाई देता है, और ऑप्शन डी है वायु में उपस्थित जलवाष्प संघनित हो जाता है तथा बोतल की सतह पर चिपक जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायु में उपस्थित जलवाष्प बोतल की सतह पर संघनित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में तरल ईंधन है। ऑप्शंस हैं कोक, डीजल, प्राकृतिक गैस या कोयला, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू डीजल एक क्या है, लिक्विड फ्यूल है। ठीक है, या फिर तरल ईंधन है। अगला क्वेश्चन है आपका, नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक का उपयोग इसके लिए किया जाता है। ऑप्शंस हैं गर्म वाष्प को ठंडा करने तथा इसे जल में संघनित करने के लिए, जनित्र कुंडलियों को ठंडा करके और अति ऊष्मन की रोकथाम के लिए, टरबाइन चलाने के लिए, वाष्प निर्मित करने के लिए
या ऊष्मा विनिमायक में ऊर्जा को रिएक्टर से जल में स्थानांतरित करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊष्मा विनिमायक में ऊर्जा को रिएक्टर से जल में स्थानांतरित करने के लिए शीतलक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, खादिन बुंदी आहार तथा कट्टा प्राचीन संरचनाएं हैं जो कि निम्न के उदाहरण हैं। ऑप्शंस हैं मृदा संरक्षण, लकड़ी के भंडारण, अनाज भंडारण या जल संरक्षण। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सारी विधियाँ जल संरक्षण की विधियाँ हैं। ठीक है, आपको याद रखनी है खादिन बुंदी आहार तथा कट्टा, ये जल संरक्षण की विधियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश शैवाल में मुख्य वर्णक और अतिरिक्त वर्णकों के रूप में क्लोरोफिल है। भूरे शैवाल में उपस्थित वर्णक क्लोरोफिल के अतिरिक्त हैं। ऑप्शंस हैं फ्यूकोजेंथोफिल, फाइक्रोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन या एंथोसाइनिन। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्यूकोजेंथोफिल। ठीक है, भूरे शैवाल में हरित लवक के अलावा या फिर क्लोरोफिल के अलावा फ्यूकोजेंथोफिल नाम का एक वर्णक भी पाया जाता है। ठीक है, जिसको पिगमेंट कहा जाता है। ठीक है, जिसके कारण भूरे शैवाल का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि भूरे शैवाल को क्या कहा जाता है, तो भूरे शैवाल को फियोफाइसी कहा जाता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रीन शैवाल को क्या कहा जाता है, तो ग्रीन शैवाल को कहा जाता है क्लोरोफाइसी, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि लाल शैवाल को क्या कहा जाता है, तो लाल शैवाल को रोडोफाइसी कहा जाता है। ठीक है, आप ये तीनों बात याद रखेंगे। और इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि लाल शैवाल में क्लोरोफिल के अतिरिक्त कौन सा मुख्य वर्णक होता है, तो आपका आंसर होगा फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। फाइकोएरिथ्रिन किसमें होता है, लाल शैवाल में क्लोरोफिल के अलावा फाइकोएरिथ्रिन भी उपस्थित होता है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भोजन को निगलने के बाद उसे निम्न के कारण नहीं रोक सकता है। ऑप्शंस हैं आंत की अनैच्छिक प्रकृति, श्लेष्मा लाइनिंग, लार स्त्रावण या आंत की ऐच्छिक प्रकृति। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यदि एक बार भोजन को निगल लिया जाए तो उसको आंत की अनैच्छिक गति के कारण रोका नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लकड़ी के लट्ठों को जलाते समय उनके बीच खाली जगह छोड़ दी जाती है, जिससे ऑप्शंस हैं आपके वह अपने प्रज्वलन ताप पर पहुंच सके, ऑप्शन बी है लकड़ी की खपत कम हो, ऑप्शन सी है उसके जलने के लिए वायु की गति में मदद मिले या ऑप्शन डी है दहन धीरे धीरे हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसके जलने के लिए वायु की गति में मदद मिले। ठीक है, लकड़ी के लट्ठों को जलाते समय उनके बीच जगह इसलिए छोड़ दी जाती है ताकि ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल सके और लकड़ी अच्छे से जल सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, शक्तिशाली चुंबक अपना चुंबकत्व उस स्थिति में खो देता है जब, ऑप्शन ए है इस पर उच्च यांत्रिक प्रतिबल लगाया गया हो, ऑप्शन बी है इस पर उच्च वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, ऑप्शन सी है इसे उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है या ऑप्शन डी है इसे अत्यधिक समय के लिए भूमि के नीचे दबाया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री, यदि किसी चुंबक को उच्च तापमान पर गर्म किया जाए तो वह चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक द्रण निर्जीव मुक्त रूप से पारगम्य तथा मुख्य रूप से सेल्युलोज से बना होता है। ऑप्शंस हैं टोनोप्लास्ट, नाभिकीय झिल्ली, कोशिका भित्ति या जीव द्रव्य कला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, कोशिका भित्ति एक द्रण निर्जीव संरचना तथा ये मुक्त रूप से पारगम्य और सेल्युलोज की बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति मात्र किस में पाई जाती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पादपों में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नाभिक का क्या कार्य होता है। ऑप्शन है यह केवल कोशिकाओं के विभाजन को नियंत्रित करता है, यह केवल कुछ विशिष्ट कार्यों को नियंत्रित करता है, यह कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करता है या इसका कोई नियत कार्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह कोशिकाओं की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक है,
यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो सारी कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, इसलिए कोशिकाओं के बिल्कुल बीचों बीच नाभिक या न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड को शूटिंग स्टार्स के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, यहाँ पर उल्का पिंड को ही क्या कहा जाता है? शूटिंग स्टार्स कहा जाता है। ऑप्शन है आपके उल्का पिंड, उपग्रह, पुच्छल तारा या क्षुद्र ग्रह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीटियोरॉइड्स, या फिर उल्का पिंड को शूटिंग स्टार्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक अस्थि अन्य अस्थि से ब्लैंक के द्वारा संयोजित रहती है। ऑप्शन हैं उपास्थि, कंडरा, स्नायु या कंडरा और स्नायु दोनों। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम लिगामेंट्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और लिगामेंट्स को ही स्नायु बोला जाता है। ठीक, इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि एक अस्थि को उपास्थि से जोड़ने का काम कौन करता है, तो आपका राइट आंसर होगा कंडरा या टेंडोन के द्वारा एक अस्थि को अन्य उपास्थि से जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपतन बिंदु पर आपतन किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब ब्लैंक में स्थित होते हैं। ऑप्शंस हैं भिन्न माध्यम, भिन्न समतल, समान समतल या समान पृष्ठ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री समान समतल में आपतन बिंदु, आपतन किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब ये सारे स्थित होते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जॉब कर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।